टाइटल्स को टॉप रैंक पे लेकर आना चाह रहे हैं। ये ईबे वालों के लिए भी होता ही है, अमेजोन का भी सेम रोल है, ये एटसी का भी सेम रोल है, ठीक है। टाइटल एक मेन चीज होती है जिससे प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रैश बैग लिख देता हूँ। ट्रैश बैग एक कीवर्ड है, जो भी सर्च करेगा तो वो इससे रेलिवेंट सारे की ये प्रोडक्ट्स निकाल कर दे देता है। तो मेन चीज कहने का मकसद है कि टाइटल आपका इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो सर्च करे उससे रेलिवेंट वर्ड, आपकी जो लिस्ट है, प्रोडक्ट है, वो टॉप रैंक पर आ जाए। टॉप रैंक पे ना भी आए तो एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस पर आ जाए, 3 to 4 नंबर पर ये आ जाए। तो अब इसको करते कहते हैं, टाइटल को ऑप्टिमाइज आपने करना कैसे है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है, इस पर आपने प्रोडक्ट निकाली, ठीक है, ये 6.51 प्रॉफिट मार्जिन के साथ इस प्रोडक्ट को आपने निकाल लिया। अब ये भी हो सकता है कि कुछ ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो टाइटल को ऑप्टिमाइज नहीं करते, बस कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, टाइटल को ऑप्टिमाइज नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके इस प्रोडक्ट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ ईबे की प्रोडक्ट पर, ईबे की प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये आपने देखा, ये बिल्कुल आर्म एंड हैमर, ये बिल्कुल शॉर्ट सा इतना बड़ा टाइटल, ये जो अमेजोन पे दो दो तीन तीन चार चार लाइनों के टाइटल होते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट सा टाइटल है, ठीक है। इसी तरह ईबे पर देख लें, ये भी सेम, इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसने किया हुआ है, देखें बिल्कुल। ये अप क्लाइंबिंग नॉन स्टिक मल्टी, ये देखें यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, ये इसने बिल्कुल सेट करके डाला हुआ है ईबे के ऊपर। अब इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अभी तो आपने एक ही प्रोडक्ट निकाली ना, इसे मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि क्रॉस चेक करने के बाद कौन कौन बंदा इस पर सेल कर रहा है। अब देखें सबके तकरीबन टाइटल सेम होंगे, सबके टाइटल देखें सेम है, कोई वर्ड आगे पीछे होंगे जस्ट, ठीक है, तकरीबन सबके टाइटल सेम चल रहे हैं, ठीक है। किसी ने देखें ये 37 LBS का है, ठीक है, और ये जो है ना डिफरेंट LBS का होगा, ये देखें 18 to 37 LBS का बेच रहे हैं, ये जस्ट 37 LBS का सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइटल्स में वर्ड्स भी आगे पीछे हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल प्लांटिनियम स्लाइड्स इजी क्लीन, यहाँ पर प्लांटिनियम किधर है, प्लांटिनियम यहाँ पर मेंशन, ये रहा प्लांटिनियम स्लाइड इजी क्लीन, ठीक है। यहाँ पर आर्म एंड हैमर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लांटिनियम, यहाँ पर देखें आर्म एंड हैमर कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स मिल के ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉप सर्च में आ रहे होते हैं। अब वो हम कैसे हम बनाएंगे टाइटल को, सबसे पहले तो आपने ये देखना सेल किसकी है ज्यादा आ रही है, उसके टाइटल को हमने फोकस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सोल्ड आइटम में गया और सोल्ड आइटम में जाने के बाद मैंने देखा 29 मार्च को इसकी सेल हुई है और इसके टाइटल को मुझे फोकस करना चाहिए क्योंकि मैं इसका ही इसी इसकी लिस्ट को मीन्स के कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसकी पहले सबसे पहले प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट है क्या। इसमें प्लांटिनियम स्लाइड इजी क्लीन अप प्लम्बिंग नॉन स्टिक मल्टी कैट, ये जो आपने लिखा हुआ है, तो ये प्लांटिनियम स्लाइड ये प्रोडक्ट का नेम है, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है ना, ये आपका कीवर्ड है। अब अमेजोन पे भी देख लेता हूँ मैं, ये देखें ये आपका प्लांटिनियम मल्टी कैट इजी क्लीन अप प्लम्बिंग कैट लिटर है क्या है ये। तो ये आपने प्रोडक्ट को आप टोटल भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना, और जस्ट आप ये पूरा नहीं, ये नेम नाम मेंशन किया जाए बेहतर है नहीं ना, वो। इसके अंदर देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये है बेसिकली क्लम्प एंड सील, क्लम्प एंड सील है ये। तो ये क्लम्प एंड सील कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ मेंशन ही नहीं किया हुआ इसने, ये प्लांटिनियम, वो क्लंपिंग में आ गया ना, ये देखें हाँ क्लम्पिंग के क्लीन अप अंदर आ गया। क्लंपिंग। तो मैं ये लॉन्ग टेल पूरा कीवर्ड भी कॉपी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, या फिर आप दूसरी प्रोडक्ट को देखें, ये सारा इसने मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर जो कीवर्ड है वो है एलईडी बल्ब विद प्रोजेक्टर लेंस विद, ये आपका कीवर्ड है। बाकी उसने बाकी आगे मॉडल शॉडल अपने कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने के लिए किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट में से ये कॉपी कर लेता हूँ, ये आपका कीवर्ड कॉपी होगी। अब आप जाएंगे गूगल पर, गूगल पर लिखेंगे टाइटल बिल्डर, टाइटल बिल्डर के अंदर जाएंगे और टाइटल अच्छा बिल्डर में जाने के बाद आपने क्या करना है, टाइटल बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। टाइटल बिल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँ लिखूंगा, तो वो कहता है जी आपने यहाँ पर 2 to 4 वर्ड्स का कीवर्ड जो है ना यहाँ मेंशन करना है, इससे ज्यादा लंबा कीवर्ड ना हो, 1 2 3 4 4 ही है। इसे मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद अब मुझे पता लग जाएगा, ये देखें ये आ गया इसका पूरा का पूरा बना हुआ टाइटल। आप ये भी कॉपी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी अच्छा देख सकते हैं,
एलईडी का जो वर्ड है वो टॉप रैंक पे जा रहा है, बल्ब का वर्ड टॉप रैंक पे जा रहा है, लाइट का वर्ड टॉप रैंक पे जा रहा है। ये वो वर्ड है जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। लेकिन पहले आपने चार जो वर्ड है ना, ये चार वर्ड, ये आपने अपने लिस्ट में यूज करते हुए एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। अब एलईडी बल्ब देखें, एलईडी बल्ब लाइट प्रोजेक्टर लेंस ये यूज हो रहा है इसके अंदर। एलईडी बल्ब लाइट किधर गया, लाइट का वर्ड, लाइट प्रोजेक्टर लेंस, ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ये कंपनी नेम है ना मेंशन करो, लाजमी नहीं है, ठीक है ना। और ये जो कीवर्ड्स हैं वो इसने यहाँ से निकाल के अपने खुद बनाए हैं। ये देखें, ये वर्ड इसमें बता रहा है कि इतने सर्च किए जाते हैं, कितने परसेंट इस पे सर्च किया जाता है, ठीक है। तो इससे आप अपने टाइटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड ठीक था, मुझे इससे मुझे पता नहीं लग रहा कौन सी प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया जनाब, ये प्लांटिनियम फ्लाइट क्लीनअप, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लेता हूँ। तो लेकिन इतना वर्ड, इतना बड़ा वर्ड जो है ना वो कॉपी नहीं करेगा। ये क्लम्पिंग नॉन स्टिक ये करके देखता हूँ, ये करके मैं यहाँ पर मेंशन करके सर्च करता हूँ। लेकिन ये कोई वर्ड ही नहीं उठा रहा है ना। क्लम्पिंग पे क्लिक करता हूँ, क्लम्पिंग प्रोडक्ट वो आए थे। हाँ आपने तो एक छोटी सी मिस्टेक की ना, कैट लीटर लिखते कैट देख लीटर सकते पे। हैं, वो भी कर वो लेते हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट जो है ना वो कैट्स के लिए है, जो उनके कैट कैट लीटर। क्लम्पिंग कैट लीटर ये प्रोडक्ट है। अब वहां पर हाँ जी उसने, हाँ उसने लिस्ट के अंदर ना, लिस्ट के अंदर बेसिकली मेंशन ही नहीं किया हुआ प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को, जिसने भी ये नहीं लगाई है थी। मेंशन। अभी देखें ना, अगर आप आए पीछे उस साइट पे, ईबे या अमेजोन देखिए जहाँ पे। ये किया ना, असल जो हाँ प्रोडक्ट का हाँ क्लम्पिंग कैट लीटर है, जी, ये है, ये है, ये वर्ड है तीन। हाँ ये ये आपकी। देखें इसको। हाँ ये मैं ये प्रोडक्ट का नेम कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट भी निकाल के लिए आएगा कि देखें, हाँ जी ये आ गया, ठीक है। और इसके अंदर ये लिटर का, कैट का और क्री का क्लम्पिंग का वर्ड देखें टॉप रैंक पे जा रहा है। और एलबीएस, एलबीएस, अब इस वजह से इसने एलबीएस यूज किया हुआ है यहाँ पर देखें, ईबे वाले का, ये देखें एलबीएस यूज किया हुआ एलबीएस है। इसलिए यूज किया हुआ है कि ये दो डिफरेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल भी होंगे और इसका सर्चिंग भी ज्यादा है एलबीएस का, क्वांटिटी हाँ जी हाँ जी ठीक। वाइज भी सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये, हाँ इसने क्या किया है कि इसे यहाँ पर बनाकर दे दिया है, लिटर कैट क्लम्पिंग एलबी, ये जो है ना डिफरेंट वर्ड्स के साथ आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। और अपना भी फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कॉपी करने चाह रहा हूँ, इसका कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। इसका कॉपी करने के बाद मैं देखूंगा कि यार ये वाले वर्ड इसके अंदर यूज हो रहे हैं, लिटर का वर्ड इसमें यूज हो रहा है, लिटर का वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कैट और फ्री का वर्ड यूज हो रहा है, कैट का भी यूज हो रहा है और फ्री का वर्ड यूज नहीं हो रहा, फ्री इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। फ्री इसमें एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लम्पिंग का वर्ड इसमें यूज हो रहा है, तो क्लम्पिंग का वर्ड इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। और इसके अंदर ये वाला वर्ड और एलबी देखते हैं, एलबी है लेकिन वो अदर रिसेंट है क्या है, वो वाला वर्ड इसके अंदर नहीं है, नहीं, एडजस्ट कर। एलबीएस जो है ना उसका वेट है। हाँ एलबीएस वेट को कहते हैं ना, ये देखें ये दे रखा है जी ना हाँ इतने, जी अठारह दो बिल्कुल। सौ 18 and 37 LBS। तो आपने इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने टाइटल को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पहले तो करेंगे ये कि आप इसी के टाइटल को कॉपी करेंगे, इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आप मैच करेंगे, भाई इस टाइटल के अंदर मेरे ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो समझो वो टाइटल स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे तो कोशिश करें ये वर्ड इसके अंदर एडजस्ट करें। तो डन। बात, और अच्छा इसके एक क्वेश्चन था, अभी पेज पर अगर लेट्स सपोज वो 10-20 दिखा रहा है, तो फर्स्ट टू, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो किस तरह से मैनेज करता है? ये नहीं, ये अगर अभी कोई आपने प्रोडक्ट सर्च की तो उसकी लिस्टिंग आ रही होती है, मतलब टॉप पे, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे, तो ये ये किस बाय तरह सेल से? भी कर रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा बाय सेल भी कर रहा होता है, ठीक है। ओके
और बाय सेल के बाद पहली बात है जिसकी सेल होगी उसी का वो टॉप रैंक पर भी आएगा, ठीक अच्छा हो गया। हाँ चले, अब मैं यहाँ से सेल लादमी नहीं है, सेल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सोल्ड वाला हटा देता हूँ। अब देखें, रिफ्रेश करता हूँ, क्या पता पहले पे वो आए जिसकी सेल ही ना हो, ठीक है ना। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अक्सर होता है कि सेल नाइन्थ नहीं है। हाँ मार्च नहीं, ये तो वैसे रैंडमली सर्च किया है ना, सोल्ड लिस्टिंग में हटा देता हूँ ना ये। अब देखें, अब सोल्ड लिस्ट, अब देखें, अब लाद मीनिंग सेल वाला पहले आया हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये डिफरेंट आ रहे हैं। अब ये तो मैंने यहाँ से चेक लगाया ना कि मुझे वो दिखा है जो सोल्ड है। ठीक। तो फिर अब जो ये इस इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन करेगा वो तो आपका फिर बायर को खरीदता है वो। ये देखें, ये तो मैं सोल्ड देख रहा हूँ ना कि ये सोल्ड आइटम आ रहे हैं सारे, लेकिन ईबे तो सारे दिखाएगा। जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च होकर आएगी, जैसे मैंने अब सर्च किया है, यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं, कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो यहाँ तो वो सारे देगा ना रेंडमली के। देखें, कोई सोल्ड है कोई नहीं है। उसने तो अपनी एसईओ करके टॉप पे दिखा दी। बेसिकली तो हमने यही ऑप्टिमाइज करना ना कि हमारे आप पहले पेज पर और पहले टॉप में ही आए, इस तरह की हाँ ऑप्टिमाइजेशन कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ और सर्च करके देखता हूँ कि यही प्रोडक्ट आती है। ये देखें आ रही है, इट मीन ये सर्चिंग में आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चले मैं इस टाइटल को कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ जनाब, ये हटा देता हूँ और फिर करता हूँ क्लंपिंग का वर्ड सर्च में आ रहा है, क्लंपिंग भी वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टिक हटा देता हूँ, ये देखें आ रहा है फिर भी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मल्टी कैट, मल्टी हटा देता हूँ, का कैट लिटर का वर्ड यूज करता हूँ, तो भी ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कीवर्ड जो है ना, इसका जो ये टाइटल है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइटल है, ये आपको हर तरीके से प्रोडक्ट को निकाल ठीक के दे। समझ आ गई बात? हो गया। अच्छा एक और भी था क्वेश्चन, अगर लेट्स सपोज हम लिस्ट करने लगे हैं प्रोडक्ट को और हम उसका कीवर्ड यही ऑप्टिमाइज करके पुट करते हैं तो और मतलब फाइनल भी कर लिया, तो अगर और फिर हम सर्च करके देखते हैं कि क्या हमारा हमारी जो कीवर्डिंग है वो टॉप पे उसको लेकर आ रही है या नहीं, तो फिर हम दोबारा उसको एडिट कर लेंगे अगर वो नहीं आ पा रही तो एडिट कर सकते हैं पॉसिबल बाद में, एडिट कर सकते हैं बाद में, एडिट कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी क्लियर। बाद में हम एडिट कर सकते हैं अपनी क्या कहते हैं लिस्ट को। अगर हम लिस्ट कर लेते हैं तो हम बाद में अपनी कोई भी लिस्ट एडिट की जा सकती है। उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन एडिट करना चाह रहे हैं, टाइटल। देखें, मैं आपको एक और बात दोबारा हाँ रिपीट रिपीट कर देता हूँ। जो आपकी टाइटल होता है ना, आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग का जो टाइटल होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका टाइटल स्ट्रांग नहीं है ना, तो इट मींस आपकी प्रोडक्ट मींस कि आपने मुंह उठा के ऐसे ही टाइटल रख दिया है, ठीक है। अब क्या पता उस वर्ड से ना आपने सर्चिंग की, ना उसे मींस के एनालाइज किया कि भाई जो मैं टाइटल बना रहा हूँ क्या वो सर्चिंग में आता भी है नहीं आता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता, आप मुझे प्रोडक्ट का नेम का नहीं पता लग रहा था कि भाई क्लंपिंग कैट लिटर है, मैं तो ये वाला लिखने जा रहा था टाइटल, ठीक है। तो जब तक आप टाइटल एक्यूरेट नहीं डालेंगे, आपकी प्रोडक्ट सर्चिंग में नहीं आएगी, ये अपने माइंड में रख लीजिएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल टाइटल को अमेजोन वाला देख लेते हैं, अब हम अमेजोन का टाइटल, ये रहा अमेजोन का टाइटल, इसके अंदर बड़ा जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर ना, इसके टाइटल में देख लें और ईबे के टाइटल में देख लें। उसने ईबे के हिसाब से निकाला हुआ है। देखें, यहाँ पर आ जाए, मैंने यूनाइटेड स्टेट को सर्च किया और ये ईबे के हिसाब से मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं अमेजोन के हिसाब से करूंगा तो मैं अमेजोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ गूगल डॉट कॉम, ठीक है, गूगल डॉट कॉम लिखा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल बिल्डर,
फॉर ईबे, टाइटल बिल्डर फॉर ईबे जब मैं करूंगा तो ये ईबे के टाइटल को जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आके आप यहाँ पर सर्च, यूनाइटेड स्टेट जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो सर्च कर लेंगे, और आपका जो कीवर्ड है वो शॉर्ट टेल होना चाहिए, लॉन्ग टेल भी अगर होगा तो 2 to 4 कीवर्ड वर्ड्स का होना चाहिए जस्ट, ठीक है जी। तो यहां से आप अच्छा, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने टाइटल को। अभी जो मैं समझा, ये वेबसाइट गूगल के साथ देखती है कि उन्होंने वहां पर किस तरह के वर्ड टाइप किए गए हैं, और मैं जो टॉप रैंक होते हैं वो आपको निकाल के देती है, ऐसे ही है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मैंने ना यहाँ पर शुरू में आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, AMD सजेशन एक्सपेंडर। अगर बिल्कुल मैं ट्रैश करता हूँ ना और स्पेस देता हूँ तो ये मुझे Amazon की डेटाबेस में से वो कीवर्ड्स निकाल के दे देगा जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, ठीक है। इसी ठीक तरह है। टाइटल बिल्डर एक वेबसाइट है जिसकी जिसकी इंटीग्रेशन हुई हुई है ईबे अमेजोन के साथ, जो बता रहे कि अमेजोन ईबे पे ये कैसे सर्च किए जाते हैं ये कीवर्ड्स, समझ आ गई। हाँ हाँ जी, मतलब गूगल की बजाय बेसिकली ईबे या अमेज़ॉन के साथ उसकी जी, इंटीग्रेशन है। मैंने तो फोकस करना है ना उसके ऊपर, क्या कहते हैं ईबे और अमेजोन के ऊपर। अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब की मैंने एसईओ करनी है तो उसके लिए एक है YT SEO टूल्स। अब ये YTSU टूल्स जो है ये बेसिकली वो कीवर्ड दिखाता है यूट्यूब के जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। लाइक मैं लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन या टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। अब मुझे नहीं पता टाइटल ऑप्टिमाइजेशन से रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड यूट्यूब पे सर्च किए जाते हैं, तो YT जनरेटर्स जो है ना ये इंटीग्रेट हुआ है यूट्यूब के साथ। जैसे मैं जनरेट टैग करूंगा वो टैग मुझे निकाल कर दे देगा जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, ये ईबे टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। अच्छा जी, गूगल शॉपिंग विद, जो मेरे इन रेलिवेंट है वो मैं डिलीट कर दूंगा कॉपी कर 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 करना, और अगर सारे करना चाह रहे हैं कॉपी टैग करें वहां पेस्ट कर लें वहां पर, ठीक है। ये इंटीग्रेट हुई भी आपके यूट्यूब के साथ, ये इंटीग्रेट हुई भी आपके क्या कहते हैं ईबे अमेजोन के साथ। जो भी एसईओ का मीन्स के एक्सपर्ट होगा ना उसके पास ऐसे टूल्स होते हैं, वेबसाइट्स तो होती हैं। ये सॉरी, ये क्या चीज़ क्या है? ये SEO सर्च सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल है। ये बेसिकली एसईओ के लिए नहीं, ये बेसिकली मैप से करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा टॉप सर्च में लाने के लिए टाइटल का जो किरदार होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आज का हमारा टॉपिक ये है। सॉरी, मैं जरा लेट ज्वाइन किया इसके। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन था हमारा टॉपिक कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे उसके टाइटल, क्योंकि हम अगला जो टॉपिक हमारा लिस्टिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम लिस्टिंग से पहले जो है ना मैं टाइटल ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा था, उसके अंदर आप ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप आपने ये लिस्ट निकाली थी, ये प्रोडक्ट लिस्ट निकाल ली, ये वाली इस प्रोडक्ट को निकाल लिया, और प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने ये देख लिया कि भाई ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है, 8 सोल्ड है, आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। अब मैं इसे कॉपी करने के बाद टाइटल को कॉपी करके मैं इससे एनालिसिस करूंगा इसका कि मेरे कंपेटिटर्स कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी उसकी तरफ नहीं जा रहा, सेल की तरफ नहीं जा रहा, चलो अगर मैं सोल्ड भी ओपन करता हूँ कि मुझे वो दिखाए जो सोल्ड है, ठीक है। तो सोल्ड में सबसे ज्यादा ये सर्च किया जा रहा है, सेकंड पे ये देखिए टाइटल दोनों के सेम है, टाइटल का एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है। इसका भी टाइटल देखे ऊपर वाले के साथ सेम है, इसका टाइटल देखे वो उसके साथ सेम है, यानी कि सारे एक दूसरे को कॉपी किए जा रहे हैं टाइटल को, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही है जिसकी सेलिंग में चल रही है, यानी कि जिसकी पहली सेल हुई होगी, फीडबैक दिया होगा बायर ने, तो जाहिर बात उसी की सेल चलनी है, ठीक है। अब ये टॉप रेटेड है लेकिन सेकंड पर आ रहा है, इसकी 12 अप्रैल को ही है, इसकी 11 अप्रैल को ही है, दोनों ने सेम टाइटल लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार ये टाइटल है, इस टाइटल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये रहा टाइटल, इसमें प्रोडक्ट नेम किया है, इसके अंदर है ये प्रोडक्ट नेम, ये है, यही है ना प्रोडक्ट नेम, ट्रॉपी स्किन प्रोटेक्ट टेंट है ये, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको मैंने कॉपी किया।
अब कॉपी करने के बाद मैंने टाइटल बिल्डर की एक वेबसाइट है उस पर गया, और मैंने यहाँ पर आकर इसे मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पर इसका एक वो है कि आपने जो कीवर्ड है वो आपने शॉर्ट टेल करना है, यानी कि 2 से 4 वर्ड्स का कीवर्ड होना चाहिए। तो ये मैं इसे रिमूव कर दूंगा, ये मेरा कीवर्ड है बेसिकली। और मैं यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करूंगा किस कंट्री के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जब मैं सर्च करूंगा ये मुझे टाइटल बता देगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट भी निकाल कर दे दिया उसने, उसने अपना कस्टमाइज एक टाइटल भी बना कर दे दिया, और उसने ये भी बता दिया कि स्किन का वर्ड टॉप रैंक पे जा रहा है, एडवांस का वर्ड, ऑन्स का, जार का, ड्राई का, ये वाले 4 वर्ड आपके टॉप रैंक पे जा रहे हैं। अब आप इस प्रोडक्ट का जब टाइटल बनाएं तो ये 4 वर्ड लाजमी यूज करें। पहले ये वाले भी देखें, प्रॉपी, ये प्रोटेक्टेंट, ये वाले वर्ड टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं ये वर्ड। तो मैं ये देखूंगा कि यार जो मैं लिस्ट कॉपी कर रहा था, क्या उसके क्या कहते हैं टाइटल में ये प्रोडक्ट फॉल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट ये देखता हूँ, थेरापी का और प्रोटेक्टेंट का, ये थेरापी भी आ रहा है इसके अंदर, थेरापी भी आ रहा है और प्रोटेक्टेंट भी आ रहा है, दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आ रहा है और टेम्पोर हीलिंग यहाँ पर आ गया, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है और हीलिंग का वर्ड भी आ रहा है, ठीक है, सारे कवर हो रहे हैं। अब ये सारे कीवर्ड इसके अंदर कवर हो रहे हैं, इसके इट मीन इसका टाइटल पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग टाइटल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से कोई वर्ड यूज ना हो रहा होता तो हम ये वर्ड इसमें एडजस्ट करते तो टाइटल स्ट्रॉन्ग हो जाता, ठीक हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कि यार इसके अंदर कोई गैर जरूरी टाइटल तो वर्ड तो ऐसा नहीं है जो गैर जरूरी हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, ये प्रोडक्ट निकल आई। अब इसके अंदर ये देखता हूँ कि इसको अगर मैं हटाता हूँ तो प्रोडक्ट नजर आती है आपको, मैं इसको हटा देता हूँ तो भी प्रोडक्ट नजर आती है आपको, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ड हटा देता हूँ तो भी प्रोडक्ट नजर आती है आपको, ठीक है, और एडवांस को हटा देता हूँ तो भी आती है, ठीक है। यानी हर कीवर्ड के ऊपर आपकी जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड इसके अंदर सारे यूज हुए हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको ना, इसको कॉपी करके दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक कीवर्ड के ऊपर देखें, एक एक कीवर्ड जो है ना इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है, ये देखें, ये सारे वो कीवर्ड हैं टॉप रैंक में आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह ये टाइटल जो है ना क्रिएट किया जाता है, आप खुद कस्टमाइज टाइटल भी बना आ सकते हैं। ये वर्ड इसमें ऐड किए, मैं एक इस वर्ड के साथ कोई लेन देन नहीं, अगर इससे सेंटेंस भी बनाया जा सकता है, इतने जस्ट वर्ड्स ऐड कर दिए स्पेस दे देकर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा अक्सर ये होता है कि मीन्स के टाइटल में लिमिट दी भी होती है, वो जब हम लिस्टिंग करेंगे आपको बता दूंगा। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो डालना बहुत जरूरी होते हैं लेकिन जगह नहीं होती टाइटल के अंदर, तो वो भी इंटर कर सकते हैं, वो मैं लिस्टिंग में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टाइटल बिल्डर का आज मैंने आपको बताया कि टाइटल बिल्डर से हम अपनी टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और टाइटल का हमारी प्रोडक्ट सर्च के अंदर क्या किरदार है। नुमान भी कोई क्वेश्चन है, जवाब भी कोई क्वेश्चन है टाइटल बिल्डर के हवाले से, टाइटल के हवाले से, तो मुझसे पूछे, ठीक नहीं, बड़ा अच्छा, बड़ा ठीक। है। क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लिस्टिंग की तरफ जा रहा है, तो आपको टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए कि हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना। लाइक अगर हम अपनी प्रोडक्ट किचन टॉवल भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किचन टॉवल भी लिखता हूँ तो उससे देखूंगा कि कौन कौन से वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। ये वर्ड हैं जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, 100% का, कॉटन का, किचन का, टॉवल्स का, डिश का, ये वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको, इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी मीन्स टाइटल को इस बिल्ड करेंगे। और दूसरा एक और चीज है, वो मैं जब आपको टेरापिक का एक टूल है जो ईबे प्रोवाइड करता है अकाउंट के साथ, हम उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा किचन टॉवल सबसे ज्यादा सेल कौन कर रहा है पूरे ईबे के ऊपर, तो हम उसके टाइटल को भी एक बार नजरसानी कर लेंगे कि उसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हुए अपने टाइटल के अंदर, ताकि वैसे वो भी हमारे, दिखा फिर मैं इसे जाकर नाम ही नहीं ले रहा था, खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। जोड़ दे, चले जोड़ दे जोड़ दे।
छोड़ दे। हाँ मुझे सर्वर ओपन करना पड़ेगा फिर उसके लिए। नहीं 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 करें, मैं तो आज चाह रहा था ये शॉर्ट ही करें, ये अच्छा है, जरा इसकी प्रैक्टिस भी करके देखते हैं सर। इसे आप कर ले टाइटल बिल्डर, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा titlebuilder.com और ओके titlebuilder.com पे जाइएगा और वहां से हम सर्च करके अपने टाइटल को कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हमारा डिटेल टॉपिक होगा लिस्टिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इमान भाई आपसे, आप तो आ रहे हैं मुल्तान? अच्छा जी मैं आ रहा हूँ, सैटरडे को मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, कल सर।